पुष्कल को हरण करके ले गए गंधर्व। ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। नहीं मामाश्री, भूल तो की है, लेकिन उन गंधर्वों ने यहाँ आकर रघुवंशियों को चुनौती देने की, यही नहीं पुष्कल को बंदी बनाकर उस भूल को अपराध में परिवर्तित किया है उन्होंने, जिसका दंड उन्हें अवश्य मिलेगा। लक्ष्मण भैया, ये पश्चाताप या क्रोध प्रकट करने का समय नहीं है, अपितु हमें शीघ्र ही उन दिव्य शक्तियों से सज्जित गंधर्वों को कठोर उत्तर देकर पुष्कल और कैकेयी राज्य को उनके बंधन से मुक्त कराना होगा। हनुमान का कथन सत्य है। भरत, इसी क्षण हनुमान एवं शत्रुघ्न के साथ सेना लेकर कैकेयी राज्य के लिए प्रस्थान करो और उन गंधर्वों को उनकी करनी का दंड देकर कैकेयी राज्य एवं पुष्कल को मुक्त कराओ। ऐसा ही होगा भैया। पिताश्री, हम भी युद्ध के लिए जाना चाहते हैं, हमें भी शौर्य प्रदर्शन का अवसर प्रदान कीजिए ना। हाँ पिताश्री, जिसे ये संसार भी देख ले कि अयोध्या के राजकुमार भी वीरता में किसी से कम नहीं है। प्रभु, इनकी चिंता आप मत कीजिए, ये मेरे संरक्षण में रहेंगे। भैया, मैं भी इनके साथ युद्ध में जाना चाहता हूं। परमपिता, लक्ष्मण भी युद्ध में जाने के लिए तत्पर है। लक्ष्मण को श्रीराम से दूर तो करना ही है, किंतु इसके लिए लक्ष्मण का श्रीराम के कक्ष के निकट रहना आवश्यक है। लक्ष्मण भैया, इस समय आप ही नहीं, हर रघुवंशी उन गंधर्वों को उनकी करनी का दंड देना चाहता है, किंतु यदि आप भी चले गए तो प्रभु यहां एकाकी रह जाएंगे, कोई नहीं होगा यहां प्रभु की सेवा के लिए। हाँ लक्ष्मण, हनुमान इन गंधर्वों की दुर्बलता को जान गए, पता इनका युद्ध में जाना आवश्यक है, तुम यहीं पर भैया के पास रहो। उचित है, जैसी आप सबकी इच्छा। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। विजयी भाव। महाराज श्रीराम, मेरा यहां रुकना कायरता होगी और कैकेयी राज्य की मुक्ति मेरा भी उत्तरदायित्व है, कृपया मुझे भी युद्ध में जाने की अनुमति दीजिए। उचित है मामाश्री, जाइए, सूर्य देव की कृपा से विजय श्री आपके साथ आलिंगन अवश्य करेगी। संयोगवश मुनि ने अपना कार्य कर दिया है यमराज, अब आपको अपने कार्य का निर्वहन करना है। अवश्य परमपिता। उचित समय पर महर्षि दुर्वासा भी अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए पहुंच जाएंगे, जिससे श्रीराम की परछाई बनकर रहने वाले लक्ष्मण को दूर होने का संयोग बनेगा और मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी अंतिम मर्यादा का पालन कर सकेंगे, जिससे श्रीराम की नश्वर देह का मार्ग प्रशस्त हो सके। सभी के साथ अब हनुमान जी भी राजमहल से प्रस्थान कर चुके होंगे, अब मुझे श्री राम के कक्ष में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। श्री राम जी को अब मैं ब्रह्मा जी का संदेश दे सकता हूं। विमान में सब तो दिखाई दे रहे हैं, किंतु हनुमान दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान को सबके साथ होना चाहिए था। संपूर्ण सेना साथ में है, किंतु न जाने हनुमान जी कहां गए।
प्रतीत हो रहा है हनुमान सबके साथ नहीं गए, अर्थात वो अभी भवन में ही है। हनुमान जितने बलवान हैं उतने बुद्धिमान भी हैं। यदि उन्होंने यमराज को राजभवन में देख लिया तो शीघ्र ही समझ जाएंगे कि यमराज क्यों आए हैं यहाँ पर। मैं आपसे सहमत हूँ वरुण देव, फिर यमराज को तो एक क्षण के लिए भी वहां नहीं रुकने देंगे हनुमान। किंतु हनुमान सेना के साथ गए क्यों नहीं? यमराज को तो ज्ञात ही नहीं है कि हनुमान भी वहीं पर है। हनुमान जी क्या हुआ? मैं आपको ही देखने जा रहा था। हनुमान जी, हनुमान जी यहां रुक कैसे गए? इन्हें ज्ञात तो नहीं हुआ कि मैं? अब क्या करूं? सर्वप्रथम तो मैं अपना रूप परिवर्तित कर लेता हूं। आप सेना के साथ क्यों नहीं गए? लक्ष्मण भैया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हेतु मुझे यहाँ रुकना पड़ा। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं सेना के साथ नहीं जा सका। यदि हनुमान जी ने न जाने का निर्णय ले लिया तो मैं अपने उद्देश्य में कदापि सफल नहीं हो पाऊंगा। प्रभु, माता सीता ने मुझे आप सबकी देखभाल का दायित्व सौंपा है, इसलिए। तो मुझे युद्ध में जाने से क्यों रोका? मैं ही? वो बात नहीं है लक्ष्मण भैया, मैं तो जा ही रहा था, किंतु माता का आशीर्वाद लिए बिना मैं कैसे जा सकता था? ओह, तो हनुमान जी इसलिए रुक गए। माता, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपने मुझे जो सबकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा था उसे सफलतापूर्वक निभा सकूं। प्रणाम माता। हनुमान, माता का आशीर्वाद सदैव पुत्र के साथ होता है। जाइए और उन गंधर्वों को उनके कृत्य का फल प्रदान कीजिए। हाँ लक्ष्मण भैया, आप भी प्रभु का पूर्णतया ध्यान रखिएगा। मेरी ही भांति आप भी प्रभु के कक्ष के बाहर सदैव उपस्थित रहिए, जैसे कि आप वनवास के समय दिन रात सजग रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे आने के पश्चात आपका वो अभ्यास छूट गया हो? जहां श्रद्धा और समर्पण हो वहां कोई अभ्यास नहीं छूट सकता। हनुमान, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं भैया की परछाई की भांति सदैव इनके साथ रहूंगा। चिंता मत कीजिए हनुमान, वनवास में मैंने जैसे भैया की सेवा की थी वैसे ही अब भी करूंगा। उचित है लक्ष्मण भैया, आज्ञा दीजिए प्रभु। विजय भाव। हनुमान जी चले गए, अब मेरा मार्ग निष्कंटक है, किंतु हनुमान जी यदि पुनः आ गए तो? प्रतीत होता है कि हम अपने ननिहाल कई राज्य के निकट पहुंच गए, किंतु ये अंधकार। भरत, ये अंधकार गंधर्वों की उपस्थिति से उत्पन्न हुआ है यहाँ। परंतु हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था।
उन्हें ही तो गंधर्वों को परास्त करने का और उनके अस्त्रों को निष्क्रिय करने का अनुभव है। लव, सावधान हो जाओ। हाँ कुश, अब किसी भी क्षण हमारा सामना गंधर्वों से होने वाला है। यदि मेरे कारण पुष्कल को कोई क्षति पहुंची तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मामा श्री, क्षति पुष्कल या किसी अन्य को नहीं, गंधर्वों को पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान के कारण हमें इन गंधर्वों के अस्त्रों को निष्क्रिय करने का रहस्य ज्ञात हो गया है। अब हम इन गंधर्वों को परास्त कर देंगे। रघुवंशियों को हमारे अस्त्रों की काट के बारे में हनुमान के कारण ज्ञात हो गया है, अतः सावधान रहना गंधर्व वीरों। हमें उनकी दृष्टि से स्वयं को छिपाकर ही वार करना होगा। सावधान हो जाओ, वो सेना के साथ आ रहे हैं, जिसका अर्थ है वो युद्ध जीत को हमें नहीं सौंपेंगे, अभी तो युद्ध करेंगे। अब हम उन्हें दिखा देंगे कि क्या होता है गंधर्वों से युद्ध करने का परिणाम। गंधर्व हम पर वार कर रहे हैं। वीरो, गंधर्वों के अस्त्रों पर नहीं, गंधर्वों पर वार करो, क्योंकि हनुमान ने हमें बताया है यदि हम इनके अस्त्रों पर वार करेंगे तो हमारा वार पलटकर हम पर ही द्विगुणित भीषणता से प्रहार करेगा। गंधर्व सैनिक, उन्हें ही लक्ष्य बनाना है हमें, करो प्रहार। ये अस्त्रों से वार कर करके कंदराओं में छुप रहे हैं। ये चालाकी कर रहे हैं हमसे, जिससे कि उन्हें कोई हानि ना हो और उनके अस्त्र और भीषण होते जाएं। वो हमें फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी ही चालाकी उन्होंने हमारी सेना के साथ भी की थी। हम उनकी चालाकी में नहीं फंसने वाले। हमें पुष्पक को नीचे ले लेना चाहिए ताकि उनका फार विफल हो जाए। भी अपना लक्ष्य स्वतः ही परिवर्तित करके अब भी हमारी ओर आ रहे हैं। यह तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, ना तो हम इन पर वार कर सकते हैं और ना ही इनके वार से बच सकते हैं। मोचन हनुमान जी, हम सब संकट में हैं। आप जहाँ भी हो शीघ्र आकर हमारी रक्षा कीजिए। अब तो हनुमान जी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब नहीं लौटेंगे वो, यही उचित अवसर है। मैं अभी जाकर श्री राम जी को परमपिता श्री ब्रह्मा जी का संदेश पहुँचाता हूँ। श्री रामचंद्र की जय। प्रणाम ऋषिवर। कल्याणमस्तु पुत्र। हम धन्य हुए आपका दर्शन पाकर, कृपया अपना परिचय दीजिए। पुत्र, परिचय तो सांसारिकता का द्योतक है और ऋषि सांसारिकता से दूर होते हैं, अतः उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बस ये समझ लो पुत्र कि मैं परमात्मा का एक अंश हूँ, धरती पर श्री राम जी के दर्शन लेने आया हूँ, श्री राम जी के लिए महर्षि स्वयंभू का संदेश लाया हूँ। प्रणाम ऋषिवर, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। आइए।
हम यूं ही हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते भरत काकाश्री। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। किंतु क्या करें हम? हनुमान जी ने यहाँ आने से पूर्व हमें गंधर्वों के अस्त्रों पर प्रहार ना करने का निर्देश दिया था। किंतु हनुमान जी हैं कहाँ? हमने उन्हें मानसिक रूप से संदेश तो भेजा है, कदाचित आ जाएं वो। वो रहे हनुमान जी। गंधर्वों के ये अस्त्र, मैं किसी को भी आहत नहीं होने दूंगा इनसे। जय श्री राम। सखा, लवकुश, इन गंधर्वों को रोकने का एक ही उपाय है कि गंधर्वों को हम उनके छुपने के स्थान से बाहर निकालें। अतः तुम अपने दिव्य बाणों का सोच समझकर प्रयोग करो। जो आज्ञा हनुमान जी। कौन सा दिव्य बाण उचित रहेगा जिससे गंधर्व कंदराओं से बाहर आने के लिए विवश हो जाए? सखा, जागृत दिव्यास्त्र हैं ये, किंतु मैं इन्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। काकाश्री भरत, काकाश्री शत्रुघ्न, तत्पर हो जाइए गंधर्वों का अंत करने के लिए। हम उन्हें उनके छुपने के स्थान से बाहर निकलने के लिए विवश करते हैं। अग्नियास्त्र प्रकट हो। दिव्यास्त्रों, तुम कितना भी प्रयास कर लो, किंतु मैं तुम्हें किसी को आहत नहीं करने दूंगा। बहुत अच्छे लवकुश, अब तो गंधर्वों को बाहर निकलना ही पड़ेगा। गंधर्व बाहर आ रहे हैं, लक्ष्य साधो। गंधर्व सैनिक तो बाहर आ गए, किंतु इनका सेनापति तावमुख और पुष्कर नहीं दिखाई दे रहे। विराजे ऋषिवर, बताइए क्या संदेश लाए आप मेरे लिए, और ये महर्षि स्वयंभू कौन है? सब बताता हूं श्री राम, किंतु सर्वप्रथम आपको मुझे एक वचन देना होगा। हमारे मध्य जो भी वार्तालाप होगी उसके साक्षी मात्र आप और हम हैं।
अन्य कोई भी इस बात को ना सुने। ऐसा क्या है ऋषिवर? ये तो मेरे अनुज। नहीं श्रीराम, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्तालाप है। और हमारे इस वार्तालाप में हस्तक्षेप ना हो, ये निश्चित करने के लिए आपको ये विधान लेना होगा कि हमारे वार्तालाप में कोई व्यवधान उत्पन्न करे तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। ये है रामायण रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। वचन देने के पूर्व उसके प्रत्येक पहलू पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा उसका भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है।